अच्छा तो बॉयज एंड गर्ल्स, तुम लोग सोच रहे होगे कि ये बंदा इतना लेजी क्यों लग रहा है, ये तो बहुत एनर्जेटिक होता था। ये वीडियो देखने के बाद तुम लोग भी मेरी तरह हो जाओगे, जो इस वक्त मेरी हालत है, शायद यही हालत तुम लोगों की भी हो जाए, क्योंकि हम सब GT6 का इंतजार करने लगे हैं। और हमें था कि भाई इस साल यही तो अगले साल अनाउंसमेंट हो जाएगी, लेकिन अब हमें आके पता चल रहा है कि भाई इसकी रिलीज डेट तो कंट्रोल उदय कंट्रोल। यार अगर तुम लोग जानना चाहते हो ना कि भाई इस वीडियो में मैं क्या बात करने लगूं, तो तुम लोगों को पता तुम लोगों ने क्या करना है, लाइक कमेंट शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब बेल आइकन दबा जाना तुम लोगों ने, ताकि तुम लोग मेरी कोई भी वीडियो मिस ना कर सको। तो भाई GT6 के एक इनसाइडर ने, जो कि GT6 का इनसाइडर है ही नहीं, जो कि बैटल फील्ड का इनसाइडर है, उसने हमें GT6 की कुछ लीक्स और रूमर्स दिए हैं, और उनके मुताबिक ये सारा कुछ GT6 में हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। चलो मान लिया कि भाई ये सिर्फ लीक्स और रूमर्स हैं, लेकिन उस बंदे ने एक बात ऐसी कही है जो मेरे दिल में आके लगी है, और वो ये थी कि भाई GT6 हमें था कि इस साल नहीं तो अगले साल अनाउंस हो जाएगी और 2023 में ये गेम रिलीज हो जाएगी। लेकिन भाई इस बंदे ने अलग ही छक्का मारा है, ये बंदा कहता है कि भाई GT6 2025 में आएगी। ओ भाई तेरा दिमाग, भाई मतलब के हम लोग पहले इतने परेशान होकर बैठे हैं कि भाई GT5 के 10 साल के बाद GT6 आएगी, और ये बंदा 12 साल बरा रहा है। मतलब कि यार मैं एक कमेंट पढ़ रहा था, वहाँ पे बंदे ने लिखा हुआ था 2013 में जब GTA 5 आई थी मैं 13 साल का था, अब ये बंदा 25 साल का हो जाएगा जब GT6 रिलीज होगी, मतलब कि मजाक चल रहा है। और दूसरी तरफ मैं एक कमेंट पढ़ रहा था, एक बंदा कहता है कि भाई शायद रॉकस्टार वाले इंतजार कर रहे हैं कि भाई जो 18 साल के नहीं है वो 18 साल के हो जाए फिर हम GT6। मतलब कि यार ये सिर्फ लीक्स और रूमर्स हैं, इन पे यकीन करने की जरूरत नहीं है। तुम लोग यार ये सोच के चलोगे 2023 में ये गेम आएगी, तो 2023 में ये गेम आएगी ही आएगी, तुम लोगों ने टेंशन नहीं लेनी। क्योंकि यार कहा जा रहा था कि 2025 में इसलिए रिलीज की जाएगी कि रॉकस्टार वाले अपने एम्प्लॉयज़ पर ज़्यादा बोझ नहीं डालना चाहते, क्योंकि यार जब RDR2 रिलीज होनी थी तो तब यार रॉकस्टार वालों के एम्प्लॉयज़ पर बहुत ज़्यादा वजन डल गया हुआ था, यानी कि बहुत ज़्यादा वर्क लोड था, जिसकी वजह से वो सारे बहुत ज़्यादा खफा हो गए थे। इसलिए वो GT6 में ज़रा सी डिले कर रहे हैं ताकि उनके एम्प्लॉयज़ भी खुश रहें और GT6 अच्छे से अच्छे बन सके। और GT5 ऑनलाइन तुम लोगों को पता है कितनी अखीर चल रही है, तो वो लोग कभी भी नहीं चाहेंगे कि GTA ऑनलाइन से वो जो उनको पैसे आ रहे हैं वो रुक जाएं और वो नई गेम रिलीज़ कर दें। तो तुम लोगों को यार ज़रा सा हौसला रखना पड़ेगा और उम्मीद लगानी पड़ेगी कि 2023 तक ये गेम आ जाए। दूसरी तरफ उस बंदे ने एक बहुत अच्छी बात कही, और ऐसी बात कही जिसको सुनने के लिए मैं बेताब था। उस बंदे ने कहा कि भाई वाइस सिटी आएगी ही आएगी GT6 में, तुम लोगों ने टेंशन नहीं लेनी, GT6 में वाइस सिटी ही आएगी। और ये चीज़ मैं बहुत अरसे से चाहता था, और ये लीक्स और रूमर्स तो कई अरसे से आ रहे हैं कि भाई GT6 वाइस सिटी में आएगी। और भाई ऐसे जो लीक्स और रूमर्स होते हैं ना, इन पर यकीन कर लिया करो, इन पर यकीन करने पर कोई टैक्स नहीं है, टैक्स 2025 में रिलीज होने वाली लीक्स और रूमर्स पे, उन पे यकीन नहीं करना तुम लोगों ने। और तीसरी बात, उस बंदे ने एक मजे की कही कि भाई GT6 मॉडर्न टाइम में सेट होगा। मैं वाइस सिटी को हमेशा से मॉडर्न टाइम में भी देखना चाहता था, लेकिन मेरी ख्वाहिश थी कि GT6 ओल्ड टाइम्स में भी आए और नए वाले टाइम्स में भी आए। लेकिन यार इसकी बहुत सारी वजूहत हैं कि GT6 मॉडर्न टाइम में क्यों सेट होगी, क्योंकि यार उन लोगों ने GTA ऑनलाइन भी बनाना है, और GTA ऑनलाइन बनाने के लिए उनको मॉडर्न सेटिंग लाजमी तौर पर रखनी पड़ेगी। क्योंकि अगर तुम लोगों को पता है कि भाई RDR2 का जो ऑनलाइन वर्जन है वो इतना मकबूल नहीं हो रहा, क्योंकि यार उसमें कुछ करने को इतना खास नहीं है, और GTA ऑनलाइन में बहुत कुछ करने को है। मतलब कि अगर वो पुराने वक्तों में रखेंगे यार GTA ऑनलाइन को, तो तुम लोग कंप्यूटर कैसे यूज़ कर सकोगे, तुम लोग ऑनलाइन चीज़ें कैसे खरीद सकोगे, तुम लोग ऑनलाइन घर कैसे खरीद सकोगे, तुम लोग मोबाइल कैसे यूज़ कर सकोगे, समझ रहे हो ना, समझ रहे हो, समझ जाओ। तो बस यही वजह है कि भाई वो लोग GT6 को मॉडर्न टाइम में सेट करने लगे हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि भाई GT6 के पहले वाले पार्ट को, मतलब कि स्टोरी के पहले वाले पार्ट को पुराने वक्तों में रख दो, और आगे वाला पार्ट जो है मॉडर्न टाइम में रख दो, ताकि जो स्टोरी है वो मॉडर्न टाइम में ख़त्म हो जाए और GTA ऑनलाइन मॉडर्न टाइम में रहे। इस तरह यार मेरी भी चस्प पूरी हो जाएगी और तुम लोगों की भी चस्प पूरी हो जाएगी। एक और बात यार उसने बहुत मजे की कही, कभी क्रिप्टो करेंसी, जो कि यार तुम लोगों को पता होगा इंडिया पाकिस्तान में इस चीज का बहुत ज्यादा रोलर डाला हुआ है कि क्रिप्टो करेंसी आ रही है GT6 में, और GT6 में नहीं हमारी असल जिंदगी में भी क्रिप्टो करेंसी आ चुकी है, तो GT6 में भी क्रिप्टो करेंसी आ सकती है। क्योंकि यार GT6 को एक मॉडर्न टाइम में सेट करने जा रहे हैं जैसे कि मैंने तुम लोगों को पहले बताया, और GT6 को जरा अलग किस्म की गेम बनाना चाह रहे हैं वो लोग, तो इसलिए यार वो लोग क्रिप्टो करेंसी को मुतारिफ करवा रहे हैं GT6 में, जैसे कि यार GT5 में उन लोगों ने स्टॉक
मार्केट को इंट्रोड्यूस करवाया था, वैसे ही क्रिप्टो करेंसी को भी वो GT6 में इंट्रोड्यूस करा रहे हैं। और अब तुम लोग ये ना समझने बैठ जाना कि क्रिप्टो करेंसी को तुम लोग GT6 वाली रियल लाइफ में भी ले आओगे। ना भाई ना, वो गेम की क्रिप्टो करेंसी है, वो गेम में ही रहेगी। तो इस चीज़ का तुम लोग ने खास ख्याल रखना है कि भाई वो वाली क्रिप्टो करेंसी को असल जिंदगी में ना ले आना। एक और बात यार उसने बहुत मजे की कही कि भाई GT6 का जो मैप है वो पार्ट्स में रिलीज किया जाएगा, यानी कि GTA 6 को पार्ट्स में रिलीज किया जाएगा, एक साथ रिलीज नहीं किया जाएगा। उसकी वक्त आने के साथ साथ DLCs को अपडेट किया जाएगा, यानी कि DLCs रिलीज की जाएंगी और उसका जो मैप है वो चेंज होता रहेगा वक्त के साथ साथ। मतलब कि या तो उसको एक्सपेंड किया जाएगा, उसमें नई नई चीज़ें ऐड की जाएंगी, या वेदर वगैरह चेंज किया जाएगा, कुछ एडिशनल चीज़ें ऐड की जाएंगी ताकि यार जो गेमिंग एक्सपीरियंस है वो मजे का हो सके। एक और बात यार बड़ी मजे की कही कि भाई GT6 में मल्टीपल प्रोटैगनिस्ट होंगे, यानी कि जैसे GT5 में मल्टीपल प्रोटैगनिस्ट थे वैसे GT6 में भी मल्टीपल प्रोटैगनिस्ट होने वाले हैं। अगर तुम लोग देखो कि भाई यार तो तुम लोगों को टॉमी वर्सिटी पसंद आ जाता है या तो नहीं आता, या तो तुम लोगों को सीजे पसंद आ जाता है या तो नहीं आता। GT5 में अगर तुम लोगों को माइकल पसंद नहीं आ रहा तो तुम लोगों को ट्रेवर पसंद आ जाएगा, ट्रेवर नहीं आ रहा तो यार फ्रैंकलिन तो लाजमी तौर पर आएगा। ऐसे ही तुम लोगों का गेमिंग एक्सपीरियंस जरा मजे का हो जाता है। अगर तुम लोगों को माइकल जहर लगता है तो तुम लोग ट्रेवर के साथ खेल सकते हो, लेकिन अगर तुम लोगों को सीजे जहर लगता है तो तुम लोग कुछ भी नहीं कर सकते, तुम लोगों को सीजे के साथ खेलना ही पड़ेगा। ये एक मजे का फीचर है कि अगर GT6 में मल्टीपल प्रोटैगनिस्ट आएंगे तो तुम लोगों को अगर एक नहीं तो दूसरा तो पसंद आ ही जाएगा ना। और एक और बात जो यार बड़ी मजे की कही कि भाई फीमेल प्रोटैगनिस्ट भी होने वाली है, और फीमेल प्रोटैगनिस्ट कोई हाई माई वाली एमी शैमी वाली नहीं होने वाली, एक हैकर बैड एस किस्म की यार फीमेल प्रोटैगनिस्ट डाली हुई है, जो मतलब कि हैकिंग कर सकती है, जो कि यार मतलब टेक्नोलॉजी में बहुत ज़्यादा इन होगी। और उसने कहा कि भाई तुम लोगों ने टेंशन लेनी, फीमेल प्रोटैगनिस्ट बहुत ही फिट किस्म की बैठ रही है GT6 में, और तुम लोगों को GT6 खेलने का फीमेल प्रोटैगनिस्ट के साथ बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। तो यार तुम लोगों ने मुझे बताना कि तुम लोगों को क्या लगता है कि यार ये वाली जो लीक्स और रूमर्स हैं किस हद तक ठीक हैं और किस हद तक गलत हैं। यार 2025 वाली छोड़कर मुझे तो बाकी सारी सही लगी हैं, लेकिन यार 2025 वाली ठीक ना हो तो यार अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना। मुझे कोई टॉपिक सजेस्ट कर दिया करो यार, मैं उस पर वीडियो बना दूंगा। मैं तुम लोगों से मिलता हूँ अगली वीडियो में एक मजे के टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज़।